الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا. एक भाई ये सवाल भेज रहे हैं कि क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं कि फुकहाए अरबा हनफी मालिकी हनफी शाफ़ी मालिकी हनफी और हम्बली इन चार फिकहों के दरमियान में जो इख्तिलाफात हैं इसकी क्या नौइयत है और इन चार मजाहिब में से कौन सा मजहब बेस्ट टू फॉलो है पैरवी करने के लिए अच्छा मजहब एक मुसलमान इन चार मजाहिब में से किसी मजहब का फॉलो करना चाहे तो कौन सा मजहब पैरवी करने के एतबार से बेहतर है क्या आप इसकी निशानदेही कर सकते हैं। मेरे भाई ये सब कर सकते हैं लेकिन हर मजमून को समझने के लिए जितना वक्त दरकार है उतना वक्त मिले तो वो मसला वाजे करके समझाया जा सके। आधा घंटा कौन घंटे में ये मसला कैसे समझा दिया जाए आपको। फिर भी भागते भूत की लंगोटी सही सारा बयान नहीं कर सकते थोड़ा बहुत जो कुछ बयान किया जा सकता है थोड़ा बहुत ही सही। मेरी एक किताब है दीन की बुनियादें और तकलीद की जरूरत यहां मैं लाया हूं मेरे साथ हैं मगर मेरे साथियों ने उनमें से दो चार भी इस लाइब्रेरी में इंशाअल्लाह नहीं रखी हुई क्यों भी रखी नहीं रखी कमरे में रख सकती छुपा कर अरे यहां रखो पांच दस किताबें यहां रखो ताकि मुताला करने वाले लोग मुताला करें। छोटी सी किताब है आप दो दिन में उसे पढ़ सकते हैं कोई लंबी चौड़ी किताब नहीं है मगर उर्दू जानना जरूरी है जो उर्दू जानता है वो दो तीन दिन में उसे पूरी पढ़ लेगा और सारे मसले की सारी हकीकत उसमें समझ में आ जाएगी। घंटे डेढ़ घंटे घंटे पौन घंटे में वो सारा मसला नहीं समझाया जा सकता। तो असल समझना है दीन की बुनियादें क्या हैं जो दीन की बुनियादें हैं उनको जो लोग मानते हैं वो अहले हक हैं वो अहले सुन्ना वल जमा और जो दीन की उन बुनियादों को नहीं मानते वो अहले सुन्ना वल जमा से हटे हुए दूसरे मुसलमानों के फिरके हैं कोई थोड़ा गुमराह है कोई बहुत ज्यादा गुमराह है
असल सारा मदार अहले हक होने का सारा मदार दीन की बुनियादों पर है कि वो क्या बुनियादें हैं उनको मानना जरूरी है। मेरे भाइयों, दीन की बुनियादें पांच हैं। जो लोग ये पांचों बुनियादें मानते हैं वो अहले हक हैं, वो अहले सुन्ना वल जमा मसल। और जो इन पांच बुनियादों में से बाज को मानते हैं बाज को नहीं मानते वो अहले हक में नहीं। पहली बुनियाद कुरान करीम है। दीन में असली उसूल अल्लाह की किताब ही वो मतन है, सारा मदार उस पर है। और मुसलमानों में राष्ट्र कुरान का कोई इंकार करने वाला नहीं है या नहीं हो सकता। राष्ट्र कहने का सीधा शिया ये कहते हैं कि ये जो इस वक्त हमारे पास कुरान करीम है ये कामिल कुरान नहीं है, इसका 1/4 10 पारे इसके इमाम गायब लेकर सुर रमन रहा एक शहर है जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा। जोग्राफी में कहीं वो शहर नहीं है, उस शहर का नाम है सुर रमन रहा। जिसने उस शहर को देख लिया वो खुश हो गया और फोटो देखे। बहरहाल एक शहर है फर्जी सुर रमन रहा, उसके पास एक पहाड़ है, उस पहाड़ में 12वें इमाम महदी वो कुरान करीम के 10 पारे लेकर गार में अंदर जाकर छुप गए। यहां रुक करके एक मसला समझो, हम लोग क्या कहते हैं इमाम महदी, ये गलत है। इमाम तो शियों के 12वें इमाम पैदा हो गए हैं और उनका नाम इमाम महदी है। हमारे यहां तो वो शख्सियत पैदा ही नहीं हुई। और इमाम का लफ्ज कहां से आया, 12 शियों के 12 इमाम हैं, उनमें 12वें इमाम इमाम महदी है और वो पैदा हो गए हैं। और 1.5 साल की जब उनकी उम्र थी तब वो कुरान के 10 पारे लेकर सुर रमन रहा की गवार में जाकर छुप गए हैं और वहां जिंदा हैं। अब उनका जो लफ्ज इमाम था वो तो 12 इमाम मानते हैं, वो इमाम था वो हम भी इस्तेमाल करने लगते इमाम महदी। हमारे नजदीक तो इमाम महदी का भी वजूद ही नहीं हुआ। कयामत के करीब में जब दज्जाल अकबर निकलेगा उस वक्त उनका वजूद होगा और उनके वजूद के बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। तो हमारे नजदीक तो महदी का अभी वजूद ही नहीं हुआ। फिर इमाम महदी, ये शियों के असरात हैं जो हमारे ऊपर पड़ते हैं और वो इमाम महदी कहते हैं तो हम भी इमाम महदी। इसे पहले तो इसकी इस्लाह करो, इमाम महदी मत को हजरत महदी को। इमाम लफ्ज इस्तेमाल करोगे तो शियों के वो 12 इमाम जो है उधर सिलसिला जुड़ जाएगा जाकर। फिर दूसरी गलती हम ये करते हैं कि बहुत से लोग कहेंगे इमाम महदी अलैहिस्सलाम, ये अलैहिस्सलाम और गलत। तस्लिया सल्लल्लाहु अलैहि तस्लिया और तस्लीम अस्सलाम अलैहि सलाम जिब्राइल अलैहि सलाम, ये तस्लिया और तस्लीम खास हैं नबियों के साथ और फरिश्तों के साथ। नबी के लिए कोई भी नबी हो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि इस्तेमाल करें, फरिश्तों के लिए इस्तेमाल करना चाहें करें। इसी तरह से वसल्लमा ये अलैहि सलाम
ये भी नबियों के साथ खास हैं या फरिश्तों के साथ खास हैं। और शियों के जो 12 इमाम हैं वो उन 12 इमामों को नबी तो नहीं कहते, मगर वो इसके कायल हैं कि उन 12 इमामों पर वही आती है और उन 12 इमामों की वही से हुजूर की वही मनसूख हो सकती है। तो चाहे वो नबी न कहें लेकिन नबी नबूवत के लवाजिम तो साबित करते हैं, इसलिए वो सब के साथ अलैहिस्सलाम लगाएंगे। हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत हसन अलैहिस्सलाम, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत बाकिर अलैहिस्सलाम, हजरत सादिक जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, हजरत काजिम अलैहिस्सलाम, हजरत इज़ा अलैहिस्सलाम, सब के साथ लगाएंगे। इमाम महदी के साथ भी अलैहिस्सलाम लगाएंगे। हमारे नजदीक वो महदी जो शख्सियत कयामत के करीब में पैदा होगी वो नबी नहीं होगी। जब नबी नहीं होगी तो अलैहिस्सलाम लगाने के क्या माने। लिहाजा हमें कुछ नहीं लगाना, हजरत महदी पैदा होंगे, बस हजरत महदी पैदा होंगे, फिर ये होगा ये होगा ये होगा। तो मैं कह रहा था कि कुरान का रास्ते इनकार करने वाला तो कोई नहीं है और हो नहीं सकता। शिया भी ये कहते हैं कि 10 पारे गायब हैं, ये कुरान पूरा नहीं है, लेकिन किसी भी शिया से कहो तो इकरार नहीं करेगा, वो यही कहेगा कि पूरा कुरान है। लिहाजा दीन की बुनियाद कुरान करीम है, इसमें तो उम्मत में कोई इख्तिलाफ है ही नहीं। फिर पहला मसला झगड़ा खड़ा हुआ है और आज भी खड़ा हुआ, पहली सदी में ये मसला खड़ा हुआ कि हुज्जत सिर्फ कुरान है, कुरान के बाद कोई चीज हुज्जत नहीं है। उन्होंने अपना नाम क्या रखा, अहलुल कुरान, हम कुरान वाले। अभी तुम अकेले कुरान वाले क्यों हो गए, कुरान तो सारी उम्मत मानती, तुम अकेले अहलुल कुरान क्यों हो गए। दूसरों ने उनका नाम लिया, तुम अहलुल कुरान नहीं हो, मुनकिरीन हदीस हो। उनका नाम मुनकिरीन हदीस रखा, यानी वो हदीसों को हुज्जत नहीं मानते। कानून इस्लामी सिर्फ कुरान से लिया जाएगा, हदीसों से इस्लामी कानून नहीं लिया जाएगा, हुज्जत न होने का ये मतलब। ये पहला फिरका पैदा हुआ, वो कहता है कि मोतबर दीन की बुनियाद सिर्फ कुरान करीम में, सब कुछ कुरान करीम में है, कुरान के अलावा कोई चीज दीन की बुनियाद नहीं है। ये फिरका मुफ्तियाने किराम ने कहा मुसलमान ही नहीं, क्या है वो अपने आप को मुसलमान कहे लेकिन वो हकीकत में काफिर है, मुसलमान नहीं। और पहले मैंने बताया था कि फतवा रहीमिया में इस पर मुफस्सल फतवा है कि ये फिरका अहले कुरान मुसलमान नहीं। क्यों नहीं है, अभी वजह बताऊंगा। फिरका अहले कुरान के अलावा सारे मुसलमान ये कहते हैं कि कुरान के बाद हदीस हुज्जत है। एक जमात कहती है हदीस हुज्जत है, दूसरों ने कहा हदीस नहीं सुन्नत हुज्जत है। सुन्नत और हदीस में थोड़ा सा फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मगर है फर्क है। तो एक जमात ने कहा हम अहले हदीस हैं, कोई भी हदीस मिल जाए वो फौरन अमल फिर उधर। और दूसरे उम्मत ने कहा कि नहीं है हदीस हुज्जत नहीं है, सुन्नत हुज्जत। सुन्नत और हुज्जत में क्या फर्क है, तीन चीजें
अलग अलग है, एक सिर्फ हदीस है हुज्जत नहीं, एक सिर्फ सुन्नत है हदीस नहीं, और एक हदीस भी है सुन्नत नहीं। वो काम जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मसले की वजाहत के लिए किए हैं वो हदीस है, या वो इरशाद जो हुजूर ने मसले की वजाहत के लिए फरमाए हैं वो हदीस है, सुन्नत नहीं है। सुन्नत के माने हैं आदत, सुन्नत के माने हैं तरीका, सुन्नत के माने हैं पगडंडी, सुन्नत के माने हैं दीनी राह, अत्तरीकतुल मसलूकतु फिद्दीन, जिस पर मुसलमानों को चलना है, और एक दूसरी चीज है जो जायज है उस पर चलना नहीं। मैं मिसाल दूं, बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक मरतबा ये कौम की कूड़ी पर तशरीफ ले जाकर खड़े होकर पेशाब किया, हदीस हुई, मगर ये सुन्नत नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका रबी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, तिर्मिज़ी में हदीस है, मन हद्दसतुम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताना यगूलो काइमन फला तुसद्दिकूहु मा काना यबूलो इल्ला काइदन। सिद्दीका फरमाती हैं कि अगर तुमसे कोई ये बयान करे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब किया करते थे तो उसकी बात बिल्कुल न मानिए। खड़े होकर पेशाब किया नहीं, खड़े होकर पेशाब किया करते थे यानी यही तरीका यही आदत थी, इसको बिल्कुल न मानिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर ही पेशाब किया करते। अब ये हुई सुन्नत, सुन्नत में मुआजबत होती है, कंटिन्यूस कोई काम किया जाता है वो सुन्नत तरीका कहलाता है, तो हमेशा बैठकर पेशाब करना यही सुन्नत है, और एक मरतबा कौम की कूड़ी पर जाकर पेशाब खड़े होकर किया ये मसले की वजाहत के लिए। बहुत सी मरतबा ऐसे आजार होते हैं जहां पेशाब करना है वहां बैठने की कोई जगह ही नहीं होती है, सब नापाक जगह होती है, कोई बीमारी होती है, बैठ नहीं सकता आदमी, तो ऐसी सूरतों में खड़े होकर पेशाब करना जायज है, और ये जायज है, इसे हुजूर ने एक मरतबा अमल करके दिखाया ताकि उम्मत के जहनों पर बोझ न पड़े, जब मजबूरी हो तो खड़े होकर पेशाब करने में उम्मत के जहनों पर बोझ न पड़े, इसलिए हुजूर ने एक मतलब करके दिखाया। लेकिन वो सुन्नत नहीं है, हुजूर का हमेशा का तरीका नहीं है, तो मैं सुन्नत और हदीस में फर्क समझा रहा हूं। इसी तरह से बाज काम हुजूर ने किए हैं जो हुजूर के साथ खास और लोगों के लिए वो काम नहीं, मसलन हुजूर के निकाह में चार से ज्यादा बीवियां रही हैं, नौ बीवियां हुजूर के निकाह में रही हैं, तो जब हुजूर के निकाह में फैल है तो हदीस तो हुई लेकिन सुन्नत नहीं है, उम्मत के लिए दीनी राह नहीं है, उम्मत चार ही निकाह कर सकती, इससे ज्यादा नहीं कर सकती, तो हुजूर का नौ बीवियां ये हदीस है, और तो सुन्नत है जो कुरान करीम में आया है कि चार तक ही निकाह कर सकते, सुन्नत और हदीस का फर्क समझा रहा हूं। इसी तरह से खुलफाए राशिदीन चार खलीफा हुए हैं, साढ़े चार, अबू बकर उमर उस्मान अली और हजरत हसन, ये साढ़े चार खलीफा हुए हैं राशिदीन। हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत लाजिम पकड़ो, वसुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, और मेरे बाद मेरी जगह पर बैठकर जो लोग हुकूमत करेंगे मेरे तरीके पर हुकूमत करेंगे, इसको खलीफा कहते हैं, जो गुजरे हुए के बिल्कुल तरीके के मुताबिक हुकूमत करें, वो राहयाब होंगे राशिद, वो हिदायत माब होंगे महदी होंगे,
उनकी सुन्नतों की पैरवी करो, उनको दांतों से डाढ़ों से मजबूत पकड़ो और हाथों से मजबूत पकड़ो उन सुन्नतों। अब ये जो खुलफा की सुन्नतें हैं ये हदीस नहीं है, हदीस तो है हुजूर का कौल फेल तकरीर और हाला। सहाबा की बातें खाला चाहे वो खुलफाए राशिदीन हो वो हदीस नहीं है, वो सुन्नत है खुलफाए राशिदीन की। हुजूर ने फरमाई ने मजबूत पकड़ो, मिश्कात शरीफ हदीस की पहली किताब है जो हम तलबा को पढ़ाते हैं। तो किताबुल ईमान वगैरह के बाद बाब आया है अबवाबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्ना। कुरान को मजबूत पकड़ो और सुन्नत को मजबूत पकड़ो, हदीस लफ्ज नहीं। फिर उस चैप्टर में तकरीबन 40 हदीसें हैं, उनमें 6 हदीसें हैं जिसमें सुन्नत को मजबूत पकड़ने का हुक्म दिया गया है। पूरे ज़खीरे हदीस में एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसमें हदीस को मजबूत पकड़ने का हुक्म दिया। हदीसों को याद करो, नकल करो, आगे बयान करो, उसकी फजीलतें दुआएं सब हैं, लेकिन जहां मजबूत पकड़ने का मसला आया तो सब हदीसों में सुन्नत को मजबूत पकड़ने का मसला। बुखारी शरीफ में जिल्दे सानी में यही बाब आया है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने भी किताबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्ना, कुरान को मजबूत पकड़ने का और सुन्नत को मजबूत पकड़ने का बयान। बहरहाल ये फर्क है दोनों के दरमियान। और वो हदीसें जो मामूल बिहा हैं वो हदीसें भी हैं सुन्नत भी हैं। बस दूसरा इख्तिलाफ ये हुआ कि कुरान करीम के बाद हुज्जत हदीसें हैं या सुन्नत हुज्जत है। 4 अइम्मा के मानने वालों ने कहा हुज्जत सुन्नत, और एक जमात ने कहा कि नहीं हुज्जत हदीस है, हम अहले हदीस हैं। कोई भी हदीस आए, नमाज पढ़ रहे होंगे, जेब में मोबाइल बजेगा, निकालेंगे, बटन ऑन करके देखेंगे, नंबर देखेंगे, फिर कहेंगे आना फिर सलाह। हरम शरीफ में जाओ ऐसी बहुत मिसालें मिलेंगी, उनसे कहो भाई तुम नमाज में बोले, वगैरह सहाबा भी बोलते, और सहाबा बोले थे नमाज नहीं फांसी देते हमारी क्यों होगी, वो उनको हदीस चाहिए कोई भी हदीस। इसी तरीके पर जो हदीसें मनसूख हैं पहले दौर में थी, बाद में वो हदीसें मामूल बिहा नहीं रही, वो हदीसें हैं सुन्नत नहीं। जैसे अलमा ओ मेन अलमा, अगर कोई बीवी से मिले तो गुस्ल वाजिब होता है उस वक्त जब इंजाल हो, तो गुस्ल वाजिब हो, अगर इंजाल न हो गुस्ल वाजिब नहीं। ये हदीस आला दर्जे की सही हदीस अलमा ओ मेन अलमा, मगर ये हदीस मनसूख है। बाद में दूसरा हुक्म आया इज़ल तकल खितानान फकद वजबल गुस्ल, जब मियां बीवी की शर्मगाहें एक दूसरे के साथ मिल जाएं, यानी मर्द की सुपारी औरत के बदन में अंदर दाखिल हो जाए, गुस्ल वाजिब हो गया चाहे इंजाल हुआ या ना। चारों अइम्मा मुत्तफिक हैं कि ये हदीस सुन्नत है और वो हदीस मनसूख हो गई, लिहाजा वो हदीस है वो सुन्नत नहीं। बहरहाल इतनी मिसालों से आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि हदीस और सुन्नत एक चीज है, मगर थोड़ा सा फर्क। जो हदीस मनसूख हुई वो सुन्नत नहीं है, जो हदीस हुजूर के साथ खास है वो सुन्नत नहीं है। सहाबा ने खुलफाए राशिदीन ने जो मुल्क और मिल्लत को ऑर्गेनाइज करने के सिलसिले में जो तरीके चलाए वो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। देखो हुजूर के जमाने तक नेशनल गवर्नमेंट कायम हुई थी, इंटरनेशनल गवर्नमेंट कायम नहीं हुई थी।
यानी हुकूमत इस्लामी हुकूमत के मातहत सिर्फ मुसलमान थे, सिर्फ दूसरी कौमें, दूसरे मजाहिब, दूसरी नेशन नहीं थी, नेशनल गवर्नमेंट कायम हुई थी। इसलिए हुजूर ने नेशनल गवर्नमेंट के अहकाम बयान किए। खुलफाए राशिदीन के जमाने में आधी दुनिया पता हुई और मल्टी नेशन गवर्नमेंट कायम हुई और मुख्तलिफ मजाहिब इस्लामी हुकूमत में एक साथ रहे। तो अब इंटरनेशनल गवर्नमेंट के जो अहकाम हैं वो खुलफाए राशिदीन ने सब बयान किए और वो खुलफाए राशिदीन की सुन्नतें हैं, राइज किए हुए तरीके। ये सुन्नत है, ये हदीस में नहीं आती। बहरहाल पहला इख्तिलाफ ये हुआ कि क्या दीन की बुनियाद सिर्फ कुरान है या कुरान के बाद कोई और चीज है। एक फिरके ने कहा सिर्फ कुरान और कोई बुनियाद नहीं, वो अहले कुरान फिरका। दूसरों ने कहा कि नहीं, कुरान के बाद दूसरी बुनियाद है। अहले हदीस फिरके ने कहा सिर्फ हदीस है बुनियाद है, कोई भी हदीस हो तो बुनियाद है, फिर अमल करो। और चार अइमा के मानने वाले ने कहा कि नहीं, हदीस हुज्जत नहीं, सुन्नत हुज्जत है। लिहाजा खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को भी लेना पड़ेगा। ये अहले हदीस खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को नहीं लेंगे, वो कहते हैं हदीस हुज्जत। खुलफाए राशिदीन की सुन्नत हदीस थोड़ी नहीं। इसलिए चार इमामों के मानने वालों का नाम क्या हुआ? अहलुस सुन्ना। और उनका नाम क्या हुआ? अहलुल हदीस। दूसरा इख्तिलाफ ये हुआ कि कुरान के बाद हदीस बुनियाद है दीन की या सुन्नत बुनियाद है। चार अइमा ने कहा सुन्नत बुनियाद है, उस रुपये ने कहा हदीस बुनियाद है। फिर आगे चलो, सुन्नत या हदीस के बाद कोई और चीज हुज्जत है? ये और चीज भी हुज्जत है। और वो तीन चीजें हुज्जत है, पूरी उम्मत का इजमा, उसमें सहाबा का इजमा भी आ गया, और सहाबा के इज्तिहादात और सहाबा के बाद कयामत तक मुज्तहिदीन के इज्तिहादात, ये तीन चीजें और हुज्जत। मगर पहली दो चीजों में और इन तीन चीजों में फर्क है, इसलिए कि वही की दो किस्में हैं, जली और खफी। वही जली वो है कि जिसका वही होना फौर हर एक की समझ में आ जाए, कोई बहुत ज्यादा बहस न करनी पड़े, फिर बहुत समझ में आ जाए कि ये अल्लाह के यहां से आई हुई वही है। और वही खफी वो है कि जिसका वही होना हर एक के समझ में नहीं आएगा, उसको दलील से समझाना पड़ेगा, मुदल्लल करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। वही जली दो है, कुरान और हदीस, ये दोनों वही जली है। हदीसों का वही होना बेशुमार आयतों से साबित है। तो जो कुरान मानता है उसको वही हदीसों का वही होना मानना ही पड़ेगा, कुरान की बहुत सी आयतों से हदीसों का वही होना साबित है। वो फर्क इतना है कि कुरान वही मतलू है, यानी नमाज में उसकी तिलावत करनी है, रोजाना सुबह उठकर उसकी तिलावत करनी है। अगर आप नमाज में कुरान नहीं पढ़ेंगे नमाज नहीं होगी। रोजाना कुछ न कुछ हिस्सा कुरान का पढ़ना चाहिए हर मुसलमान को। पर मैं जिस दिल के अंदर कुरान का कोई हिस्सा नहीं है वो दिल वीरान घर की तरह है। और हदीसें वही गैर मतलू है। वह हदीस अगर नमाज में कोई पढ़ेगा नमाज नहीं हो। रोजाना सुबह उठ करके वही हदीसों का कुछ हिस्सा तिलावत करना चाहिए ये हुक्म नहीं, इसलिए हदीस वही गैर मतलू है। बहरहाल ये भी वही जली है और ये भी वही जली है, फर्क ये मतलू है और ये गैर मतलू है। लिहाजा इन दो वहियों को तो लाजमन मानना है, अगर इन दो वहियों को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। फिरका अहले कुरान मुसलमान नहीं है, इसलिए वो कुरान जो वही जली मतलू है उसे तो मानता है, लेकिन हदीसें जो वही जली गैर मतलू उसे नहीं मानता।
लेकिन फिर जो दूसरा इख्तिलाफ हुआ कि हज सुन्नत हदीस है या हुज्जत हदीस है या सुन्नत है, वो दोनों वही हदीस को मानते हैं, मामूली फर्क है, वो अलग बात है। बस ये दोनों मुसलमान हैं, जो कुरान के बाद हदीस को हुज्जत कहते हैं वो भी मुसलमान है, और जो कुरान के बाद सुन्नत को हुज्जत कहते हैं वो भी मुसलमान है, जो हदीस को हुज्जत कहते हैं वो मुसलमान है लेकिन गुमराह है, और जो सुन्नत को हदीस कहते हैं वो अहले हक है। और चारों अइम्मा अहलु सुन्ना है, सुन्नत के मानने वाले हैं, अहले हक ये। फिर उसके बाद में वही की तीन किस्में, और वो वही खफी है, खफी माने पोशीदा। पोशीदा उनको इसलिए कहा गया है कि उनका वही होना हर एक आसानी से नहीं समझ सकता। वो तीन चीजें क्या हैं? किसी भी जमाने में पूरी उम्मत किसी शरई मसले पर मुत्तफिक हो जाए तो ये भी वही, इसलिए कि इसकी एतबारियत कुरान और हदीस से साबित है। कुरान करीम की पहली आयत है, सूरह निसा की आयत है, वमई युशाकिकिर रसूल, जो रसूल की मुखालिफत करता है, वमई युशाकिकिर रसूल, जो रसूल की मुखालिफत करता है, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, इसके बाद कि उसके लिए हिदायत वाजे हो गई, यानी अल्लाह के रसूल को रसूल मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मानता है, मगर फिर रसूल की मुखालिफत करता है, अल्लाह के रसूल ने हदीसों में जो अहकाम दिए हैं वो अहकाम नहीं मानता है। वो कहता है सिर्फ कुरान बुनियाद है दीन की, हदीस बुनियाद नहीं है। अरे हदीस बुनियाद नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों पढ़ता है? पढ़ता है, अल्लाह के रसूल पर ईमान है, मगर अल्लाह के रसूल ने जो मैसेज ला कर दिया उसमें से आधा मैसेज मान लिया, दूसरा आधा मैसेज नहीं माना। वही ये मतलू को मान लिया और वही ये गैर मतलू को नहीं माना। तो वही ये जो फिरका अहले कुरान है ये वही ये जली का मुनकिर है, हदीसों का मुनकिर है, वही ये जली का मुनकिर है, और जो वही ये जली का मुनकिर हो मुसलमान कैसे हो? फिर उसके बाद जो कुरान भी मानते हैं और हदीसों को मानते हैं या सुन्नत को मानते हैं तो वो वही जली की दोनों किस्मों को मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं हदीसों को भी मानते हैं। और ये थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि सुन्नत बुनियाद है या हदीस बुनियाद है, ये थोड़ा सा इख्तिलाफ है, इसकी वजह से एक गुमराह है और एक रास्ते से थोड़ा सा हटा हुआ। और वही खफी वो है जिसकी एतबारियत कुरान से साबित हो और हदीसों से साबित हो। यही आयत जो मैं अभी पढ़ रहा था उसका अगला हिस्सा, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन, और वो फॉलो करता है मोमिनीन के रास्ते के अलावा का, जो तमाम मोमिनीन का रास्ता है उसका फॉलो नहीं करता, उसको छोड़कर एक अलग रास्ते का फॉलो करता है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ बरी के बाद में तमाम उम्मत का इत्तिफाक हो गया सिद्दीक अकबर की खिलाफत, एक शख्स भी इसके इख्तलाफ किसी ने नहीं किया, सारी उम्मत हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत पर, हजरत उमर की खिलाफत पर, हजरत उस्मान की खिलाफत पर मुत्तफिक रही, इजमाए उम्मत से तीनों खलीफाओं की खिलाफत साबित हुई। फिर जब हजरत अली करमल्लाह तआला वजूह का जमाना आया और उनके नाम पर अब्दुल्लाह इब्न सबा ने एक पार्टी बनाई शिया, इन्होंने ये मसला खड़ा किया कि अबू बकर उमर और उस्मान की खिलाफत रसब है ना दुरुस्त है। अब तक जमाना थे, अब तक 25 साल हो गए हैं, पूरी उम्मत मुत्तफिक आ रही है कि तीनों खलीफा बरहक हैं,
अब इन्होंने 25 साल के बाद ये इख्तिलाफ शुरू किया, इजमाए उम्मत का इनकार है। या और मिसाल लो, 1400 साल से पूरी उम्मत मुत्तफिक चली आ रही है कि उम्मत के लिए एक वक्त में 4 मीडिया रख सकता है, 5 नहीं रख सकता। लेकिन ये फिरका जो अपने आप को अहले हदीस कहता है, उसने कहा नहीं, क्यों 5 नहीं रख सकता? हुजूर के निकाह में 9 बीवियां थी, हम क्यों नहीं रख सकते 9? वो कहते हैं जितनी चाहो रखो भी। और ये किताब है इन लोगों की, असहाबे जवाहिर की एक किताब है, उसका नाम है अरफुल जादी। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े गैर मुकल्लिद आलिम गुजरे हैं, नवाब सिद्दीक हसन खान, उनके बेटे हैं नवाब नूरुल हसन खान, उनकी किताब है, छपी हुई किताब है। उस किताब में जहां ये मसला आया कि कितनी बीवियां एक साथ हो सकते हैं, जिसका जितनी जाओ करो, और दलील ने यही हदीस पेश की कि हुजूर के निकाह में 9 बीवियां थी। फिर उसने कहा कि अगर कोई ये दलील लाए कि उम्मत का इजमा है कि 4 से ज्यादा बीवियां नहीं हो सकती, तो उसने कहा इजमा कहां है, हमारा इख्तिलाफ। ये जुमला लिखा है कि इजमा कहां है, हमारा इख्तिलाफ। अरे तुम तो पैदा हुए हो, 1200 साल के बाद पैदा हुए हो, 1000 साल से उम्मत का इजमा चला आ रहा कि 4 से ज्यादा बीवियां नहीं हो सकती। बहरहाल ये दूसरा नुकता हुआ कि उम्मत का इजमा ये दीन की बुनियाद है या नहीं, हुज्जत है या नहीं। ये जो अहले हदीस हैं, इन्होंने कहा इजमाए उम्मत कोई हुज्जत नहीं। चारों इमामों के मानने वालों ने कहा कि नहीं, इजमाए उम्मत भी हुज्जत है, क्योंकि कुरान कहता है कि वैर सबील मोमिनीन, जो मुसलमानों के रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चलता है, उसका फॉलो करता है, तो नुवल्ली ही मातवल्ला, वो जिधर जा रहा है हम जाने देंगे, जा भाई। वह नुस्ली ही जहन्नम, कहां तक जाएगा? एक दिन आएगा तो हमारे पास, जब हमारे पास आएगा हम जहन्नम में ठोंसेंगे। वसात नसीरा, वह जहन्नम बुरा ठिकाना है। इस आयत करीमा में साफ मालूम हुआ कि जो रसूल की मुखालिफत करते हैं, हदीसों को जो और सुन्नत को हुज्जत नहीं मानते, या जो इजमाए उम्मत की मुखालिफत करते हैं, मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलते हैं, तो उन दोनों का दुनिया में आजादी है, जाओ जो बकना हो बको, जो फितना फैलाना हो फैलाओ, जो करना हो करो, कहां तक जाओगे आओगे हमारे पास, हम जहन्नम में ठोंसेंगे, जहन्नम बुरी बजाय। बस चार अइम्मा के मानने वालों ने अपना नाम रखा अहलुस सुन्ना वल जमा। सुन्नत के मानने वाले और जमातुल मुस्लिमीन, जमातुल मुस्लिमीन के इत्तिफाकी और इजमाई फैसलों को मानने वाले। शिया नहीं मानते, उम्मत मुस्लिमा के इजमाई फैसला नहीं मानते, गैर मुकल्लिदीन उम्मत के इजमाई फैसले नहीं मानते। देखो उम्मत का इजमा है कि पैर नंगे हों तो वजू में धोने जरूरी है, और पैर में आपने चमड़े के मोजे खुफैन पहन रखे हों तो मसा करना काफी। शिया नहीं मानते मसाल और खुफैन को, शिया नहीं मानते। वो कहते हैं पैर में मोजे पहन रखे, मोजे निकालो और नंगे पैरों पर मसा करो, पैरों को धोना है ही नहीं। 1400 साल से उम्मत एक ही मसले पर तय आती आए, वो कहते हैं हम नहीं मानते, इजमाए उम्मत नहीं मानते। बहरहाल मैं जो समझा रहा था मजमून ये कि उम्मत की जो यूनिटी है, उस यूनिटी की एतबारियत कुरान से साबित है। वह तभी गैर सबील मोमिनीन, मोमिनीन के रास्ते के अलावा का फॉलो करेगा वो जाएगा जहन्नम। और हदीस में है ला तजतमिउ उम्मति अला दलालतिन, मेरी उम्मत गुमराही पर मुत्तफिक नहीं होगी, यानी अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाएंगे, गुमराही पर उसे मुत्तफिक नहीं होने देंगे, जैसे अंबिया मासूम होते हैं।
मासूम होते हैं, यानी जैसे और इंसानों में अच्छी बुरी सब एबिलिटी होती है, नबियों में भी होती है, लेकिन अल्लाह नबियों की हिफाजत करते हैं और कोई अदना छोटा बड़ा सगीरा कबीरा कोई गुना उनसे होने ही नहीं देते, उनकी हिफाजत करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला उम्मत की इससे हिफाजत फरमाते हैं कि वो गुमराही पर मुत्तफिक हो जाए, इससे ऐसा नहीं होगा। हदीस में ला तजतम उम्मती अला दलालती, तो कुरान से भी इजमा की एतबारियत साबित हुई, हदीस से भी इजमा की एतबारियत साबित हुई। फिर उसके बाद में मुज्तहिदीन हैं, दीन के माहिरीन हैं, जो कुरान और हदीस को सामने रखकर नई पेश आने वाली बातों के अहकाम कुरान और हदीस और इजमाए उम्मत से निकालते हैं, ये मुज्तहिदीन। अब ये मुज्तहिदीन तीन हिस्सों में, एक तो मुज्तहिदीन सहाबा है, दूसरे मुज्तहिदीन 300 मुज्तहिदीन गुजरे हैं, जिनमें से 4 मुज्तहिदीन का उम्मत फॉलो करती है, क्योंकि यही 4 मुज्तहिदीन ऐसे हैं कि उनको ऐसे शागिर्द मिले कि उन्होंने अपने इमाम की फिकह A to Z रिकॉर्ड कर ली, और दूसरे जो मुज्तहिदीन थे उनको ऐसे शागिर्द नहीं मिले, उनकी पूरी फिकह किसी ने रिकॉर्ड नहीं की। बस अगर कोई इन 4 को कहा के अलावा किसी और का फॉलो करना चाहे तो नहीं कर सकता, उनकी A to Z फिका है ही नहीं, कैसे करेगा। यही 4 अइमा को अल्लाह ने ऐसे खुश नसीब शागिर्द दिए कि उनके अलिफ से या तक सारी फिका इन्होंने रिकॉर्ड कर दी। तो सहाबा में सुरखाब का पर लग रहा है, वो सहाबा है, तो पहला दर्जा तो मुज्तहिदीन का है। फिर दूसरा दर्जा ये जो 300 मुज्तहिदीन गुजरे हैं, मुज्तहिदीन का दौर कौन सा है, दूसरी और तीसरी सदी। पहले 100 साल ये सहाबा का दौर है, पहले 100 साल ये सहाबा का दौर है, दूसरी और तीसरी सदी ये मुज्तहिदीन का दौर है, और इस दौर में 300 मुज्तहिदीन गुजरे हैं, जिनमें से सिर्फ 4 मुज्तहिदीन की फिक्र हैं उनके शागिर्दों ने माफूज की और बाकी की पूरी फिक्र हैं माफूज नहीं है। इसलिए जब ये 300 साल गुजर गए, पहली सदी सहाबा की, दूसरी तीसरी मुज्तहिदीन की, अब चौथी सदी आई, तो चौथी सदी के उलमा ने ये फैसला किया कि अब मुज्तहिदीन जमाना इतना दूर निकल गया है कि अब नए मुज्तहिदीन पैदा नहीं हो रहे, अब जो मुज्तहिदीन गुजरे हैं उनमें से जिन जिन मुज्तहिदीन की पूरी फिका रिकॉर्ड है उनका फॉलो करो, जिसको जिससे अकीदत हो उसका फॉलो करो। यूं चौथी सदी में तकलीद के लिए ये 4 अइमा मुंतखब किए गए, क्योंकि इन्हीं की फिका अलीफ से या तक रिकॉर्ड थी, और दूसरे जो होते हैं मुज्तहिदीन थे उनमें से किसी की फिका, किसी सहाबी की फेका भी अजीब से या तक रिकॉर्ड नहीं है, और इन 300 सहाबा और मुज्तहिदीन में से किसी की फेका अजीब से या तक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये 3 दूसरी और तीसरी सदी के मुज्तहिदीन, इनका दौर, इनका नंबर सहाबा के बाद है, उनमें वो सुरखाब का फर सहाबियत का नहीं लग रहा। फिर उसके बाद में चौथी सदी से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक जो मुज्तहिदीन पैदा हो रहे हैं, इनका तीसरा नंबर है। देखो जमाने की रफ्तार रुकने वाली नहीं है, नित नई चीजें वजूद में आती रहती हैं, उनके अहकाम कुरान हदीस और फिका में मुरतब नहीं है। जब जमाना बदलता है और कोई नई चीज वजूद में आती है, तो हर जमाने में जो मुज्तहिदीन है वो कुरान और हदीस से उनके अहकाम निकाल कर उम्मत के सामने पेश करते हैं, तो ये भी मुज्तहिदीन है। ये जो मुज्तहिदीन है सहाबा, दूसरी और तीसरी सही सदी के मुज्तहिदीन और चौथी सदी से लेकर कयामत तक के मुज्तहिदीन, इनकी एतबारियत कुरान और हदीस से साबित है। फरमाया वअंजलना इलैका ज़िक्रा
और उतारा हमने आपकी तरफ कुरान, ये तो भैया नलिन्ना से मानुजिल नहीं है, ताकि खोल कर बयान करें आप लोगों के लिए उस कुरान को जो लोगों की तरफ उतारा गया है। वलअल्लहुम यतफक्करून, ये जुमला है सूरह नहल में, वलअल्लहुम यतफक्करून, और ताकि उम्मत सोचे। तो अगर उम्मत का सोचना मोतबर नहीं है तो क्या उम्मत के सोचने का फायदा क्या है? उम्मत का सोचना मोतबर नहीं है तो उम्मत के सोचने का फायदा क्या है? और कुरान कहता है कि कुरान आपके जरिए आपके वाया इसलिए भेजा गया कि ताकि आप उम्मत को कुरान खोलकर समझाएं, और जिस तरीके पर आप समझाएंगे आपकी हदीसों कुरान को और आपकी हदीसों को नमूना बना करके बाद के मुज्तहिदीन गौर व फिक्र करेंगे, सोचेंगे और अपने जमाने की जरूरतें कुरान और हदीस में से निकालेंगे। और हदीस शरीफ मशहूर हदीस है, हजरत मुआद रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, तो उनको रुख्सत करने के लिए हुजूर मदीना से दूर तक गए। हजरत मुआद घोड़े पर बैठे थे और हुजूर साथ साथ चल रहे थे। हजरत मुआज ने बहुत इसरार किया कि उतर जाए, हुजूर ने कहा नहीं बैठे रहो। मुख्तलिफ हिदायतें दी, उनमें से एक हिदायत ये दी कि मुआज तुम वहां जा रहे हो, तुम्हारे सामने झगड़े फजिए आएंगे तो तुम उनके फैसले कैसे करोगे? तो हजरत मुआज ने कहा मैं कुरान करीम से फैसले करूंगा। हुजूर ने पूछा अगर तुम्हें उस झगड़े का फैसला कुरान करीम में न मिले तुम न पाओ, ये नहीं कहा था, अगर उस झगड़े का फैसला कुरान में न हो नहीं कहा, कुरान सब कुछ है मगर पाना एक मसला है। तो फरमाया फैलम तजीब सी, अगर तुम कुरान में उस झगड़े का फैसला न पाओ, तो हजरत मुआज ने कहा आपको भी बेसुन्नत रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत से फैसला करूंगा। देखो हदीस लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया कि या रसूलल्लाह आपकी जो हदीस है उन हदीसों से फैसला करूंगा, नहीं, ये कहा आपको भी बेसुन्नत रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल का जो तरीका है जो सुन्नत है उसके मुताबिक फैसला करूंगा। हुजूर ने पूछा फैलम तजीद फीहा, अगर मेरी सुन्नत में भी तुम्हें उस अजीये का झगड़े का फैसला न पाओ तो न मिले तो, ये नहीं कहा न हो तो, ये है कुरान हदीस में सब है लेकिन वो हर एक को जल्दी से नजर नहीं आता। तो फरमाया तुम न पाओ तो हजरत मुआज ने कहा अजतहिदु राई वला आलू, मैं अपनी सोच को थकाऊंगा। कायम कुरान और हदीस में, कुरान और हदीस में सोचूंगा सोचूंगा, अपनी सोच को थकाऊंगा और जरा कोता ही नहीं करूंगा, और कुरान और हदीस से जो समझ में आएगा वो फैसला करूंगा। तो हुजूर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वफ़क़ा रसूला रसूलिही लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपने रसूल के रसूल को वो बात सुझा दी जो अल्लाह को पसंद है और अल्लाह के रसूल को पसंद है। ये तो हजरत मुआज़ ने जवाब दिया, अगर हजरत मुआज़ खामोश खड़े हो जाते तो कुरान में न मिले हदीस में न मिले तो फैसला कैसे करोगे, जवाब न डाले तो हुजूर यही बतला कि कुरान और हदीस में गौर करके हुक्म निकाल के फैसला कीजिए, मगर अल्लाह ने हुजूर के बतलाने से पहले हजरत मुआज को सुझा दिया। तो हुजूर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मेरे मैं जिसको भेज रहा हूं अल्लाह के रसूल का रसूल जो जा रहा है उसको अल्लाह ताला ने वो बात समझा दी सुझा दी जो अल्लाह को उसके रसूल को पसंद है। ये मुज्तहिदीन के इज्तिहाद की एतबारी साबित हुई, कुरान से साबित हुई, लअल्लहुम यतफक्करून से, और इस हदीस से साबित हुई। बस सहाबा का एतबारियत नंबर एक, मुज्तहिदीन का जमाना दूसरी और तीसरी सदी नंबर दो, फिर चौथी सदी से लेकर कयामत तक
हर जमाने के उलमाए किराम जो कुरान और हदीस में गौर और फिक्र करके नए अहकाम निकालेंगे, ये भी सब इसी आयत के तहत में, तो इज्तिहाद की एतबार ये साबित हुई। वो इज्तिहाद चाहे सहाबा हो, चाहे दूसरी तीसरी सही सदी के मुज्तहिदीन का हो, चाहे बाप का हो। अब अहलु सुन्ना वल जमा ने यह कहा कि कुरान सुन्नत और फिर इजमाए उम्मत, और इजमाए उम्मत के बाद में फिर इज्तिहाद और कयास, ये हुज्जत है। दीन के तमाम मसाइल कुरान करीम और अहादीस और इजमाए उम्मत में से निकाले जाते। देखो एक मिसाल समझो मेरे भाई, कयास मुस्बित नहीं है, कयास से कोई हुक्म साबित नहीं हो सकता, कयास मुजहिर है, छुपे हुए को जाहिर करता है। कयास जो आकाम कुरान में छुपे हुए हैं, हदीसों में छुपे हुए हैं, इजमाए उम्मत में छुपे हुए हैं, जमाने का मुज्तहिद उनमें गौर व फिक्र करके उनमें से हुक्म निकालता है, नई नई बात वो मुजहिर है, मुस्बित नहीं है। बस यूं समझो, एक आदमी ने दावत की, तीन डेगे तैयार, कोरमा, पुलाव और जर्दा। अब मेहमान आकर बैठ गए, डेगों में से खाना निकाल कर दो तो कफगीर चाहिए, कफगीर लंबा चमचा चाहिए, देखो न डालो और प्लेट में निकालो, देखो न डालो प्लेट में निकालो, मेहमान के सामने रखो। ये जो तीन देगे हैं ये कुरान हदीस और इजमाए उम्मत है, और ये जो कफगीर है ये इज्तिहाद और कयास है। इन तीन देगों के अंदर वो कफगीर जाएगा, कूल औजार जाएगा और प्लेटों में खाना जाएगा। तो अगर मेरे भाइयों कयास और इज्तिहाद अगर हुज्जत नहीं है तो तीन डेगे भी हुज्जत, जब इन तीन डेगों में से चमचे ने निकाला है वो हुज्जत नहीं है तो ये डेगे कहां से हुज्जत हुई? डेगों को तो हुज्जत सबने मान लिया है, पर जो चीज उन तीन डेगों में से पलेटों में आई वो हुज्जत क्यों नहीं? हां अगर कोई अंधेरे में ये आंख बंद करके चमचा उसने डाला वो डेग में तो गया ही नहीं, नीचे से मिट्टी भर करके प्लेट में लाया, तो ये इबलीस का कयास है। अव्वल मन कासा कासा इबलीस, सबसे पहला कयास जो किया था इबलीस ने किया था, ये इबलीस का कयास है। क्यों? वो उसने कुरान और हदीस और इजमा में चमचा नहीं डाला था, अल्लाह के हुक्मों के अगेंस्ट उसने कहा था अना खैरु मिन, मैं आदम से बेहतर हूं, खलक तनी मिन नारिन व खलक तहु मिन तीन, मुझे आपने मिट्टी से पैदा किया है आदम को, मुझे आपने आग से पैदा किया आदम को, मिट्टी से पैदा किया मिट्टी आग जो है अफजल है मिट्टी से। तो ये तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इज्तिहाद कर रहा है, अल्लाह ने तो हुक्म दिया था सरेंडर हो आदम के सामने, सजदा करो, नहीं किया और दलील ये पेश की। तो ये इबलीस का कयास है, जो तीन डेगों में चमचा गया ही नहीं, नीचे से मिट्टी भरकर प्लेट में लाया, तो ये कहां से हुज्जत हो जाएगा? लेकिन मेरे भाइयों गौर करो, जो दीदा बीना आंखें खोल कर चमचा तीन डेगों में डाला और उसमें से प्लेट में खाना निकाला, ये क्यों हुज्जत नहीं हो? चुनांची ये चार अइम्मा के मानने वाले हैं, वो कुरान मानते हैं, कुरान के बाद सुन्नत मानते हैं, सुन्नत के बाद इजमाए उम्मत मानते हैं, फिर इजमाए उम्मत के बाद ये तीनों कयास मानते हैं, सहाबा का कयास भी, मुज्तहिदीन के कयास भी, और आज कयामत तक जो बड़े हजरात नए मसाइल के अहकाम निकालते थे ये भी सब मुज्तहिदीन। यहां कोई सोच रहा होगा अरे हमने तो ये सुना है कि चौथी सदी में कयास का दरवाजा बंद कर दिया, इज्तिहाद का दरवाजा बंद कर दिया, तो इज्तिहाद दरवाजा भिड़ा हुआ है। तो सुनो, इज्तिहाद का दरवाजा जो है उसका एक पट भिड़ा हुआ है, एक पट खुला है,
कौन सा पट भेज दिया है? वो मसाइल जो चौथी सदी तक यानी शुरू के 300 सालों में जो मसाइल उम्मत में तय हो गए, इजमाई तय हुए या इख्तिलाफी तय हुए, अब इनमें रिसर्च मत करो, ये एक पट बंद कर दिया। और ये एक पट खुला है, जो नए जमाने की नई जरूरतें वजूद में आएंगी उनके आकाम तो कुरान और हदीस में से निकाल नहीं पड़ेंगे, इश्तिहाद के बगैर कैसे निकालो? तो ये एक पट खुला है, नए जमाने की नई जरूरतें इश्तिहाद ही से कुरान और हदीस में से निकलेंगे। और जो जमाने माजी में तीन सदियों तक जो मसाइल तय हो गए इजमाई या इख्तिलाफ उनको रहने रिसर्च मत करो। मैं मिसाल दूं, नमाज में रफायदेन सुन्नत है या रफायदेन न करना सुन्नत है, इख्तिलाफ हो गया। दो इमामों ने कहा कि रफायदेन न करना सुन्नत है, और दो इमामों ने कहा कि नहीं रफायदेन करना सुन्नत है। अब मेरे भाइयों सोचो, आज अगर कोई पीएचडी करता है और पीएचडी का मौजू इसी को बनाता है, रफायदेन नमाज में सुन्नत है या नहीं है, जिसको मौजू बना करके पीएचडी करता है और 500 सफे का नहीं 5000 सफे का मकाला लिखता है, तो क्या गुल खिलाएगा? तीन ही शक्लें, या तो ये कहेगा कि तर के रफा सुन्नत नहीं, वो रफायदेन न करना सुन्नत, ये तो पहले से दो इमाम कहते, तूने क्या नई बात कही। और अगर वो ये कहें कि रफायदेन करना सुन्नत है, तो ये तो बात पहले से दो इमाम कहते हैं, तूने क्या नई बात कही। और अगर इन दो बातों के अलावा कोई तीसरी बात कहती है कहता है, तुम कहोगे कि तीसरी बात क्या होगी, रफायदेन करो या न करो, तीसरी बात क्या होगी? रफा रिजलेन, पैर मत उठाओ, टांगे उठाओ। वो हमारे यहां दाल लतीफ आया है, हमारे यहां दाल देवबंद में एक जलसे में एक कारी साहब हैं, बड़े कारी हैं बरतानिया में, वो एक जलसे में तैयार पढ़ रहे। तो कारियों बाद कारियों की जो अपने आप को बहुत बड़े कारी कहते हैं, उनकी आदत है कि पढ़ते पढ़ते वो काम पर हाथ रखते हैं। तो उन्होंने पढ़ते पढ़ते काम पर हाथ रखा, तो करीब में हजरत मौलाना सैयद असद मदनी थे, बैठे हुए थे, उन्होंने कहा दूसरे कान पर पैर गिरस ले। उन्होंने कहा दूसरे कान पर पैर गिरस ले। तो अगर ऐसी कोई नई बात करता है तो उम्मत का इख्तिलाफ बढ़ा या घटा? क्योंकि कोई भी नई राय पैदा करोगे तो कुछ न कुछ का मानने वाले जरूर मिल जाएंगे। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है, ये ढूंढो 70 मिलते हैं। कोई नई राय निकालो, चाहे कितनी गलत बोगस राय हो, कुछ लोग फॉलो करने वाले जरूर मिलेंगे। बस अगर उसने पीएचडी की और एक नई तीसरी राय निकाली तो उसका फॉलो करने वाले भी कुछ मिलेंगे, तो उम्मत का इख्तिलाफ घटा या बढ़ा? इसलिए चौथी सदी में यह तय कर दिया गया कि जो मसले तय हो गए, इजमाई तय हो गए या इख्तिलाफी तय हो गए, अब उनको मत छो, उनमें इश्तिहाद बंद। तो एक पट बंद किया, दूसरा पट तो खुला है, कयामत तक जो नए जमाने की जरूरत है वो इश्तिहाद के बगैर कैसे निकालेंगे? आजकल लोग बड़ा शोर मचाते हैं, मदरसे वाले नहीं शोर मचाते, यूनिवर्सिटी वाले शोर मचाते हैं, इश्तिहाद का दरवाजा खोलो, इश्तिहाद का दरवाजा खोलो, इश्तिहाद का दरवाजा खोलो। अरे कौन कर रखा है? वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि शरीयत के जो वैल्यूज हैं वो बदलो। मसलन शरीयत का वैल्यूज है कि सूद हराम, शराब हराम, वो कहते हैं अब जमाना नहीं, हराम हराम कहने से नहीं काम चलता है, इश्तिहाद करो और सूद को जायज करो, शराब को जायज करो, वो ये इश्तिहाद करवाना चाहिए। इश्तिहाद कौन कर लेगा? किसके बाप की हिम्मत है कि कर लेगा?
या ये कायदा है कि आप वो चीज बेचेंगे जो आपकी मिल्कियत में है और आपके कब्जे में है और आप मुश्तरी को वो चीज देने पर काबिल हैं, उसको आप बेच सकते हैं। जो आपकी मिल्कियत में तो है मगर कब्जे में नहीं आई, आप उसको नहीं बेच सकते। चाइना में से एक माल चला, पानी के जहाज से गिनती आ गई टैक्स से, अब वो माल आएगा 5 महीने में, उस 5 महीने तक यहां फटाफट ये बिल्टी बिकी और वो बिल्टी बिकी और वो बिल्टी बिकी, वो कहते इसको जायज को, तो कैसे जायज कह देंगे? शरीयत का तो ये उसूल मौजूद है कि माल बाए के कब्जे में हो, मिल्कियत में हो और वो मुश्तरी को करंट देने पर कादिर हो तो बे हो सकती, वरना नहीं हो सकती। अब वो कहते हैं जमाना बदल गया है लिहाजा इसको कहो कि बिल्टी जब मैंने माल खरीद लिया और माल रवाना हो गया, बिल्टी आई तो बिल्टी की जगह और रास्ते में जहाज डूब गया तो फिर क्या होगा? 10 बहें हो गई, चाइना से माल चला है, बिल्टी फैक्स से आ गई है, ईमेल से आ गई है और 10 बहें हो चुकी हैं और जहाज रास्ते में डूब गया, तो क्या होगा? है करके सब खड़े हो जाएंगे। तो ये जो इस जमाने के लोग कहते हैं इश्तिहाद का दरवाजा खोलो, वो ऐसे दरवाजे खुलवाना चाहते हैं, ये किसके बस का है कि शरीयत की वैल्यूज को बदल दे? बाकी जो नए जमाने की जो नए अहकाम है वो तो एक पर खुला हुआ है, बराबर इश्तिहाद हो रहे हैं और हर नए मसले का जवाब उलमा देते चले जा रहे हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि लाल लहू ये तफक्करून और अजतहिद राई वाला आलू, इस आयत और इस हदीस से ये इज्तिहाद की एतबारी साबित है और चारों अइमा इसको भी मानते हैं। और ये जो हजरात हैं जो अपने आप को सलफी कहते हैं, कोई गैर अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हम लोग उनको गैर मुकल्लिद कहते हैं, वो इन तीनों चीजों को नहीं मानते। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमा का नाम तो आप सभी हजरात ने सुन रखा होगा, बहुत बड़े आदमी हैं और ये सलफी गैर मुकल्लिदीन भी उनको बड़ा मानते हैं। उन्होंने हुज्जतुल्लाही बालिगा में साफ लिखा है, एक जमात है जो अपने आप को अहले हदीस कहती है वो अहले हदीस नहीं है। फिर हजरत ने 25 मुहद्दिसीन के नाम लिखे हैं, ये हैं अहले हदीस, और ये जो अपने आप को अहले हदीस और सलफी कहते हैं इनके मजहब की बुनियाद तीन चीजों के इनकार पर है। इजमा हुज्जत नहीं है, आसार सहाबा हुज्जत नहीं है, आसार सहाबा यानी एक सहाबा में इजमा हुआ वो तो इजमा उम्मत में आ गया और एक सहाबा के फतावा, सबका ये एक मसले पे इत्तेफाक नहीं हुआ, वो आसार सहाबा हैं, वो हुज्जत नहीं है। और मुज्तहिदीन दूसरी और तीसरी सदी के मुज्तहिदीन और कयामत तक के मुज्तहिदीन, इन मुज्तहिदीन का इश्तिहाद हुज्जत नहीं है। इन तीन चीजों के इनकार पर ये जो असहाब जवाहिर हैं जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं उनके मजहब की बुनियाद इन तीन बातों के इनकार पर, ये हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमा ने हुज्जतुल्लाह में लिखा है। लिहाजा मेरे भाइयों सवाल का जवाब ये है कि ये जो चार फिक्र हैं चारों बरहक हैं, क्योंकि दीन की बुनियादें चारों मानते हैं, कुरान सुन्नत इज्माए उम्मत सहाबा के इश्तेहादात मुज्तहिदीन के इश्तेहादात और आज तक उलमा जो इश्तेहाद करे ये सब मोतबर, लिहाजा ये चारों फिक्र हैं ये मोतबर हैं और इनमें से जो जिसका फॉलो करना चाहे कर सकता है, कोई अफजलियत मकबूलियत नहीं है, सब बराबर। होता क्या है मसलन हिंदुस्तान में यूपी में अगर कोई आदमी शाफी फिका का फॉलो करना चाहे तो कैसे करेगा, वहां कोई शाफी आलिम है ही और केरला में अगर कोई हनफी फिका का फॉलो करना चाहे तो कैसे करेगा, वहां कोई हनफी है नहीं सब शाफी। मिस्र में चला जाए सब शाफी हैं, सूडान में चला जाए सब मालिकी हैं। फिर आदमी जिन असातेजा से पढ़ता है उनके असरा तालिबे इल्म पर पड़ते हैं, बस
किसी वजह से मुल्क ऐसा है, ये असातेजा ऐसे असातेजा से पढ़ा है, उसके पेश नजर जिसको जिस के पास है अकीदत है, उनमें से चारों फिकहों में से जिसकी चाहो फॉलो करो वो अहले हक, और चारों बराबर हैं, इनमें कोई अफजलियत मफजूलियत नहीं है, चारों के चारों बराबर। इसीलिए एक मौके पर मैंने तकरीर की थी और मैंने ये समझाया था कि देवबंदियत और बरेलियत है क्या। मैंने कहा था कि देवबंदियत इल्म कलाम में अहले सुन्ना वल जमाअ के अकीदों से अलग कोई चीज नहीं, जो अहले सुन्ना वल जमाअ के अकीदे हैं वही देवबंद के अकीदे, और फिका में ये चार फोकाहा हैं उनमें से किसी का भी फॉलो करे वो देवबंदी। फिर देवबंदियत कौन से जज्बे का नाम है, सिर्फ एक जज्बा है, दुनिया में से बिदअत मिटाओ और जो सुन्नतें मर गई उन्हें जिंदा करो, ये जज्बा अगर उसके अंदर तो पक्का देवबंदी है। चाहे देवबंद का नाम सुना हो उसने न सुना हो, चाहे अरब का हो चाहे अजब का हो, उसमें फूट फूट के ये जज्बा भरा पड़ा हो कि मुझे बिदअत को बर्दाश्त नहीं करनी, बिदअत को हर कीमत पर मिटानी है और सुन्नत जो सुन्नत से मिट गई है उनको जिंदा करना है, इस जज्बे का नाम देवबंदी। इसलिए मैंने कहा कि चार फिक्र हैं, चारों में से किसी का फॉलो करे वो देवबंदी हो, इल्म कलाम में हम सुन्ना और जमात के अकीदों को फॉलो करें, फिका में इन चारों का करे। फिर रहा ये कि इन चारों में क्या इख्तिलाफ हैं, उनके उसूल क्या हैं, उनमें किस वजह से इख्तिलाफात हुए, उनके माबेन इम्तियाज क्या हैं, तो इसको यहां मस्जिद फातिमा में नहीं समझाया जा सकता, इसके लिए 8 साल का वक्त लेकर देवबंद आओ और दाखिला करना, तो वहां हम आपको ये सब समझा देंगे। बात रोजावाना।